नारद बोली कंसीराज क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलवे की पर कली सिकुड़ती जाती है। बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। बोले नारद जी संता हो वे काऊ दुश्मन की, संता हो वे काऊ दुश्मन की, संता हो वे काऊ दुश्मन की, बाबे भाबा बोले हरा डालो। अंदर से कोई रोग है और डॉक्टर पे दवा कराई डालो। नारद बोले क्या बात है, दिन प्रतिदिन चिंतित होते जा रहे हैं। अच्छा कलश वाली देवी आए, निकल कर एक साइड से खड़ी हो जाए। कलश वाली कन्या महाराज कंसराज कहने लगा, देव ऋषि नारद आप तो अच्छी तरह से जानते हो, ज्योतिषियों ने जो मेरे काल बताए हैं, कृष्ण बलराम ने मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने मुझे लौट कर ये नहीं बताया कि वो कृष्ण है कैसा। पूतना को भेजा, सप्तासुर अघासुरा व्रत इत्यादि राक्षसों को भेजा। प्यारे ये पूतना क्या है, आध्यात्मिक कहा जाए तो ये पूतना अविद्या है, और सरल करके समझाया जाए पूतना पूत ना। बोले जाके पूतना पूतना नहीं। प्यारे ध्यान से सुनना मेरी बात, जो औरत अपने पुत्र को पुत्र समझे और दूसरी माँ के बेटों को मारने का उपाय कराती हो वो स्त्री है पूतना, वो स्त्री है पूतना। पूतना कोई स्त्री लिंग नहीं है, केवल स्त्री लिंग नहीं है, पूतना जो है प्यारे वो एक स्वभाव है, वो स्त्री और पुल्लिंग दोनों में आता है, स्त्री और पुल्लिंग दोनों में आता है। अगर ये स्वभाव किसी मर्द का है अपने बेटे को बेटा और दूसरे पिता के पुत्र को मारने का षड्यंत्र करता हो तो वो मर्द भी है पूतना, वो मर्द भी है पूतना। बोलिए गोविंद भगवान। बताओ चंद्रमान बढ़ेगा तुम क्यों स्कूल जाते हो, कैसे नाम लो जाते पापा को, तुम्हें कानों खा लिए तुम्हारे, ऐसे नहीं लेते हैं, क्या कहोगे कनपुटी लाग लिए तुम्हारी व्याला। चंद्रमान नहीं कहते हैं, श्री चंद्रवान यादव जी क्या कहोगे, उनके पुत्र कौशल यादव। वाह धन्यवाद बेटा, कौशल की ओर से नोटो पुष्पों की माल्या मुझे भेंट हुई है, जो हमारे श्रीमान श्री चंद्रवान भैया जी के पुत्र हैं। व्यास जी से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बेटा को इतनी सत्बुद्धि देना, इससे आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करें, जीवन में कले वेदना ना दर्शन आगे भाग बढ़ते रहे, प्रभु कृपा वर्षा मां लक्ष्मी दाई निवास करती रहे सुरक्षा है। भैया वो भी दी नहीं आपने जी जी महाराज। हाँ तो वो मर्द भी है पूतना जो अपने पुत्र को पुत्र समझे दूसरे पिता के पुत्र को मरवाने का षड्यंत्र करे। महाराज नारद जी कहने लगे कंसराज अब की बार मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा कि पक्का ही तुम्हारे काल मारे जाएंगे। बोले बोले क्या, तुम परेशान ना हो, अब की बार एक काम करिए। बोले क्या,
एक पत्र लिख दो, उस पत्र में लिख दो यादवों के नेता बाबा नंद मुझे दो छोरियां नील कमल के पुष्प थे, और ये नील कमल के पुष्प तीन दिन के अंदर आ जाने चाहिए जी। और सुनो नारद, नारद बोले कंस से, सुनो कंसराज, ये नील कमल के पुष्प सिर्फ काली देह में मिलते हैं, और कृष्ण बलराम पुष्प लेने जाएंगे और काली देह में कालिया नाग रहता है तो कालिया नाग उन दोनों का भक्षण कर लेगा, काल भी मारे जाएंगे, तुम्हारे सर पर भी दोष नहीं आएगा। बोले ये बात ठीक है। पत्र लिख करके भेजा वृंदावन में, बाबा नंद ने पत्र पढ़ा, बाबा नंद बहुत दुखी हुए। यशोदा ने सुना, यशोदा भी रोने लगी। भगवान कन्हैया तब तक आए, भगवान कन्हैया ने मैया को बैठा देखा, मैया घुटनों में सर को छुपा करके रो रही है। भगवान कन्हैया बोले, मैया बड़ी तेज मुझको भूख लग रही है, मुझे मां का रोटी दे दे। यशोदा नाय बोली, जब यशोदा नाय बोली तो कन्हैया बोले, मैया मांग रही माखन की गोपाल भैया, मांग रही माखन की रोटी चटिया भैया, भगवान बोले, ओ मैया मोई भूख लगी है, ओ मैया मोई भूख लगी है, क्यों हसुअन से भी गिरई भोटी गोपाल भैया, मांग रही माखनी रोटी गोपाल भैया, जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, छोटी छोटी बिटिया, वो भी निकल कर एक साइड से खड़ी हो जाए। लेकिन भैया ये सुधा बैठी बेईमानी ना करियो, मिल गए हो तो ना आइयो दोबारा, इनकी असुअन से भी गिरई धोती गोपाल भैया, मांग रही माखनी रोटी कन्हैया भैया, भगवान कन्हैया बोले, मैया क्या हुआ? भगवान कन्हैया से यशोदा जब नाय बोली तो कन्हैया ने आगे बढ़ के यशोदा मैया का सर पकड़ करके ऊपर किया है तो क्या देखा है कि यशोदा मैया की रो रो करके आंखें लाल हो चुकी हैं। मैया की आंखें लाल देखी, भगवान कन्हैया की आंखों में लहू के कतरे आ रहे। कन्हैया कहने लगे, मैया कौन है बहादुर? जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू डाल करके अपनी मौत को बुला लिया, कौन है बाबा? जिसने उस पहलवान को पैदा कर लिया, जिस पहलवान ने मेरी माँ की आंखों में आंसू डाले। भगवान बोले, सुन भैया, तुम्हारी बोल गई बाबारी का दे जननी लाली,
ताकत का ज्ञान नहीं है, वो दुष्ट का नाम तो बता। भैया मारेंगे एक लात तो सात कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा। अरे